संत वो हैं जो भजन करने वाले, भजन में डूबने वाले, दिन भर बिहारी जी का दर्शन, दिन भर परिक्रमा, दिन भर सेवा, वृंदावन वास। ऐसे संतों को यदि ये आपकी रोटी खाकर भजन करें तो आप इनके भजन का कुछ हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि रोटी आपकी खाई है। इसलिए आप धनवान हैं तो धन दीजिए, ये संत भजन करते हैं तो भजन का कुछ अंश हमें देंगे भजन, क्योंकि निकालना तो सबको पड़ता है। पुण्य करने वाला भी अपने पुण्य का हिस्सा निकालता है। जैसे आप साधु हैं, साधु हैं तो आपकी तो कोई कमाई होगी नहीं, तो आप भिक्षा मांगेंगे। साधु को भिक्षा मांगने की परमिशन है, तो साधु जब भिक्षा मांगता है, यदि मैंने आपके घर भिक्षा मांगी तो जो आपने दिया, तो आपने मुझे अन्न दान दिया, तो आपका अन्न शुद्ध हो गया, आपका धन शुद्ध हो गया, और मैंने आपकी रोटी खाई तो मैंने जो पुण्य किया, भक्ति किया, उसका कुछ परसेंट मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो अपने आप ये ईश्वर की व्यवस्था है। भाई गृहस्थी धन देता है और साधु आपकी रोटी खाकर आपको पुण्य देते हैं। इसलिए गृहस्थ कम भजन करे तो भी चलता है, वो दान करता रहे बस, उसके दान से उसका पुण्य होता रहता, सामने वाले का पुण्य उसकी तरफ आता रहता, यही तो है। भाई आपने रुपया दिया और सामने वाले से आपने सोना खरीद लिया, तो उसने आपको सोना दिया और आपने रुपया दिया, आपके पास रुपए थे तो आपने रुपए दिया, उसके पास सोना था उसने सोना दिया, तो आपके पास रोटी है तो आप रोटी दो, सामने वाले के पास भजन का पुण्य है, वो भजन का पुण्य देगा। आदान प्रदान। आज के 200-500 साल पहले भारत में पैसा जब प्रयोग में कम था, तब लोग वस्तु से वस्तु लिया दिया करते थे, पता है आपको? नहीं। जैसे किसी के पास गेहूं है तो वो अपनी गेहूं देकर, और जिसके पास दाल है वो उतनी दाल ले लिया करता था। ये व्यवस्थाएं थी पहले, वस्तु के बदले वस्तु। हम आपको वो कोई वस्तु देंगे, वो जो आपके पास नहीं है, फिर आप वो वस्तु देंगे जो मेरे पास नहीं है, ऐसे पहले होता था। आज के 100-500-1000-2000 साल पहले, पहले रुपया पैसा से काम कम होता था, था रुपया पैसा पहले, आना दो आना, फूटी कौड़ी चलती थी पहले, कौड़ी फूटी कौड़ी, आना दो आना, रत्ती, लोग क्या वो हम तुम्हें रत्ती भरना देंगे, पहले रत्ती भी चलती थी, ये सब उस जमाने की भाषा, पैसों की भाषा थी, तो ये सब था, तो वस्तु के बदले वस्तु। तो कुल मिलाकर के गृहस्थ अपना धन दे और संत अपना पुण्य दे। इसलिए कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम, दान देने वाले भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती, दान करने वाले की कभी दुर्गति, दुर्गति उनकी है जो कमाई का जरा भी दान नहीं करते, जो मिल जाए सेवा में लगाओ।